झारखंड के कोच ने क्रिकेट पंडितों को चौंकाया, बोले धोनी इसलिए नहीं खेल रहे रणजी ट्रॉफी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस वक्त अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। वह वेस्ट इंडीज के खिलाफ वन डे सीरीज खेलने के बाद से ही क्रिकेट से दूर हैं। धोनी अब अगले साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की तरफ से खेलते दिखाई देंगे। गौरतलब है कि हाल ही में टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने सवाल उठाया था कि धोनी रणजी ट्रॉफी क्यों नहीं खेल रहे हैं, जिससे उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो अपने फॉर्म में भी वापस आ जाएंगे। धोनी रणजी ट्रॉफी क्यों नहीं खेल रहे हैं बात पर झारखंड के कोच राजीव कुमार ने क्रिकेट पंडितों को अपने बयानों से चौंका दिया है। हालांकि अब झारखंड क्रिकेट टीम के कोच राजीव कुमार ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, धोनी से रणजी ट्रॉफी में खेलने को लेकर हम बात कर चुके हैं। उनका कहना है कि अगर धोनी चार दिवसीय रणजी ट्रॉफी मैच खेलते हैं तो इससे किसी युवा खिलाड़ी के लिए टीम में खेलने का रास्ता बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा, धोनी के चार दिवसीय रणजी मैच नहीं खेलने का इसका मतलब साफ है, धोनी नहीं चाहते कि उनकी वजह से कोई युवा खिलाड़ी अपने मौके से वंचित रह जाए। धोनी के रणजी ट्रॉफी में नहीं खेलने के कारण को समझना होगा, हमें धोनी के इस नजरिए को समझने की जरूरत है। राजीव कुमार ने कहा, धोनी की मैं इस बात पर तारीफ करूंगा कि जब भी वो रांची में होते हैं तो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेते हैं और इसके अलावा युवा क्रिकेटरों से बात भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि धोनी ऐसा चाहेंगे?